let's join hands in welcoming our minister. नमस्कार, मैं अशोक व्यास आज सौभाग्य से बैठा हूँ भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण मंत्रालय में स्टेट मिनिस्टर के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के स्टेट मिनिस्टर विजय सांपला जी हमारे साथ हैं यहाँ न्यूयॉर्क में। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। और आपके बारे में जो कुछ जानकारी प्राप्त होती है तो ऐसा लगता है आपका जीवन संघर्ष से भरा रहा है और चुनौतियों का सामना करना आपके अंदर आपको विरासत से मिला है या आप जीवन से सीखते गए हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं जिस परिवार से हूँ ना तो वो आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत रहा और ना ही वो राजनीतिक क्षेत्र में मेरे परिवार का दूर दूर से भी कोई अगर कोई रिश्तेदार नहीं था और व्यापारिक क्षेत्र से भी बहुत दूर रहा। तो इसलिए मैंने अपने आप को इस्टेब्लिश भी किया है, व्यापार में भी किया है और धीरे धीरे राजनीति में भी आए और आज इस मुकाम पे हूँ कि देश का सबसे निचले दर्जे का व्यक्ति आज देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट का एक हिस्सा है और उनमें में से भी गिने चुने जो 70 लोग होते हैं उनमें से एक हूँ और इसमें बहुत कुछ सीखने को साथी लोग सहयोग भी रहता है और बहुत सारे अगर कहूँ कि बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसमें प्रभु की कृपा और लोगों का प्यार और जिस क्षेत्र से मैं कभी पूरी तरह वाकिफ नहीं था उस क्षेत्र के लोगों ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचा दिया। तो इसमें अगर मैं कहूँ कि मेरा संघर्षमयी तो होगा बीच में जो रहा, मगर ये कम से कम जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं लगभग 15 लाख वोटर्स हैं, ये उनका आशीर्वाद भी मुझे यहाँ तक लेके आया। विजय जी खुद जो हैं वो ग्रास रूट से उठे हुए हैं, ये शोषित श्रेणी से आते हैं और काफ़ी मेहनती हैं। इन्होंने अपने बलबूते पे मेहनत मजदूरी करके काफ़ी साल ये सऊदी अरेबिया में भी रहे, वहाँ भी इन्होंने खूब काम किया। वापस आके उन्होंने देश की सेवा में उन्होंने काम किया। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन्होंने कंप्यूटर्स में इसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से योग्यताएँ हासिल की और आज पंजाब जिसमें कांग्रेस रूल कर रही है, बीजेपी को काफ़ी हार का सामना करना पड़ा, उसके अंदर ये काफ़ी पॉपुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वन ऑफ द मिनिस्टर फ्रॉम दैट सेक्शन। और इनसे अपेक्षा यही है कि चूंकि ये नीचे से शोषित वर्ग से ऊपर उठे हैं तो इन्हें समस्याओं का एहसास है और उनके जो सॉल्यूशंस जो हैं वो भी ये समझ सकते हैं। ये दोनों टेबल के दोनों तरफ बैठ के सोच सकते हैं और उस तरह का काम कर सकते हैं, वही हम इनसे अपेक्षा करते हैं। The IAS, very renowned personality, an IAS officer from India, Dhanpreet Kaur Randhawa, to this evening. I also take the privilege of welcoming Air India special person Vandana Sharma ji to this evening. ये कि आप सऊदी अरब दमन में थे, प्लम्बर के रूप में आपने कार्य किया, ये हमारे दर्शकों के लिए प्रेरणादायी बात है कि इस तरह एक श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले जो हमारे विजय जी हैं वो अब भारत सरकार में मंत्री के रूप में हैं। इस दिशा में अभी जब हम सरकार को देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी में 1998 से हैं तो जो वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनसे विशेष रूप से आपको सोशल जस्टिस की दिशा में क्या विशेष बात उनकी आपको पसंद आती है? देखिए, जब हम क्योंकि सोशल जस्टिस का मतलब कई जगह बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी गलत निकालते हैं और कई बारी तो ऐसे भी आते हैं कि हमारा मेट्रोमोनियल केस है, आप तो जस्टिस का काम करते हो तो ऐसा हमारी कोई कर। हकीकत में तो ये वीकर सेक्शन को ऊपर लेके जाने का काम है, एक उनको एम्पावर करने का काम है और इसमें हमारे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, उसके अलावा हम ओल्ड एज जो है एजिस लोगों के लिए, अपने बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए ओल्ड एज होम का ये भी और नशा मुक्ति के लिए भी काम करते हैं और सबसे बड़ा एक डिसेबिलिटी का जो है जिसमें बहुत सारे वर्ग काम कर आते हैं तो उनके बीच में काम करते हैं। तो मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ज़रूर सुनाऊँगा क्योंकि मैं देहाती हूँ
और गांव से आता हूं, जब मुझे लोगों में मैं गया तो मेरे गांव के बुज़ुर्गों ने पूछा ये क्या है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता क्या है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट क्या है, तो मैंने उनको बड़ा समझाने की कोशिश की, तो जब वो नहीं समझे तो मैंने कहा देखिए आप यहीं समय समझाते रहें कि दलित दरिद्र की सेवा, गरीब की सेवा करना भगवान को पाने का, और ये एक ऐसा मंत्रालय है जिसके माध्यम से हम भगवान के पास जाने का रास्ता जो है वो भी दिखाता है। तो इसमें से अगर जितना काम करके मन को शांति मिलती है, शायद इसका मैं भाव अपने दो शब्दों में नहीं कह सकता, बहुत बड़ी संतुष्टि इसमें मिलती है जब हम उन लोगों के लिए काम करते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं सहारे की ज़रूरत है। और हमारे तो अगर हम अपने हिंदू इतिहास को भी देखें तो हनुमान को भी पता नहीं थे कि उसकी ताकत कितनी है, तो जब उसको ताकत का एहसास करवाया गया तो उसने सूरज मुंह में डाल लिया, ऐसा हमें समझाया जाता। तो ये जो वीकर सेक्शन है इसको थोड़े से अगर सहारे के इनके दिखा दें और इनके पीछे अंदर छुपी हुई प्रतिभा और इनकी ताकत बता दें। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द रेप, दैट वाज ए एंड इज ए ग्रेट ट्रेजेडी। Nobody daughter should have to go through this, and the people who have done this should be maximum to the maximum, they should be punished. In my opinion, they should be hanged, regardless of whose daughter she is. She's a daughter of India, and no one's daughter ever have to go through that. So it's very sad. Going back to the social justice, I think today the people are much more educated. They understand their rights, and I'm very proud of our young Indian generation who are so well educated, so advanced, and they will rise when there is no justice. And I'm proud that democracy is there, and those people, the young leaders, will keep it, regardless of who is the person who tried to suppress it, should be punished. It doesn't matter if it's a government or it's a police or if it's a private. The social justice for fairness for all should always be there, not because what your caste is. End of the day, we are all human being, and the justice should be for all, not for few. So, these days, what is it that you would say is your main focus? I became a chairman of the Human Rights Commission. And of course, when come to the human rights, it take from every level, regardless of who it is. So I feel very proud when the county executive and the Nassau County Legislature had appointed me to that board as a chairman. And I'm just proud that I can serve. It's another avenue that I can serve from our community at large, and to stand up and speak out if there is any violation, and I feel proud that I am able to serve others. जो खबरें अभी हम भारत से पढ़ रहे हैं और बहुत रेप के संबंध में, गैंग रेप के संबंध में और जो बातें आ रही हैं, तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मंत्री के रूप में आप क्या देखते हैं, सरकार जो कुछ कार्यवाही कर रही है वो पर्याप्त है और क्या किया जाना चाहिए इस दिशा में? देखिए सरकार इसमें जहाँ तक, एक तो पहले लोगों के बीच में एक मन में डर है कि बेटी को जो भ्रूण हत्या भी कारण इसका यही रहा, आज अगर बढ़ रहा है इसको ऐसा नहीं कह सकते, समय बुराई और अच्छाई हमेशा साथ चले हैं, सिर्फ ये है कि आज मीडिया भी बहुत ज़्यादा तेज है और उसके साथ साथ सोशल मीडिया भी बहुत तेज है, तो ये एक कारण है कि लोगों के बीच में जानकारी बहुत ज़्यादा होती है, नहीं तो भ्रूण हत्या की उत्पत्ति इसी कारण हुई थी कि लोग इन चीज़ों से डर गए थे, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने लाल किले के प्राचीर से ये भी कहा कि सिर्फ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बेटा समझाओ, जब तक हम बेटा नहीं समझाते तब तक ये समस्याएँ उत्पन्न होंगी, ज़रूरत यहाँ पर कानून बनाने से, मेरा अपना मानना है कि सिर्फ महज कानून बनाने से इतना बड़ा काम नहीं हो सकता जितना हमें लोगों की मानसिकता को तब्दील करने की ज़रूरत है, और उसमें मैं एक व्यक्ति के रूप में, मेरा परिवार, मेरा समाज और सरकार, जब ये सब लगते हैं तो हर चीज़ का समाधान होता है। कानून के दृष्टि से जो डिमांड भी है कि आपने देखा होगा, कल ही सुना होगा कि जो 12 साल की बच्ची से कम से अगर कोई रेप करता है तो उसको सीधी सजाए मौत भी है,
तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मगर मैं ये फिर भी कहूँगा कि आज के समाज में यहाँ पर जब क्राइम करता है तो ये शायद उसके दिमाग में उस वक्त क्या चलता है क्या नहीं, उसको बुराई नहीं सोच, वो उसका रिजल्ट नहीं समझता, तो ज़रूरत उसको मानसिक रूप से तैयार करने की है। जहाँ तक कानून बनाने की है उसमें कहीं भी सरकार ने ना तो कमी दिखाई थी ना दिखाएगी, और बेटी के सम्मान में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया तो मोदी जी की सरकार ने। अशोक जी, विजय सांपला जी जो इंडिया में जस्टिस सोशल जस्टिस के मिनिस्टर हैं, आज इंडिया की परिस्थिति बड़ी अजीब सी है। हर जगह सारे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी आप देखते हैं वहाँ पर धर्म के बारे में, दलित लोगों के बारे में, शोषित वर्ग के बारे में, सवर्णों के बारे में, हर जगह उनकी एक आवाज़ उठ रही है। एक तरह से शिकायतों के इतने सुर इतने तेज़ हो गए हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पूरे स्टेट्स को साथ में रखने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। ऐसे के अंदर विजय सांपला जी जैसे लोगों का जो रोल है बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्हें ये इनकी जिम्मेवारी है कि पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक और जितने भी विरोधाभास हैं उनमें समानता है और सब एक साथ मिलकर देश का विकास की तरफ ध्यान दें, यही हम इनसे उम्मीद करते हैं। विजय सांपला जी बिल्कुल संतुलित रूप से अपनी बात भी कहते हैं और स्थितियों को परिस्थितियों को देखते समझते हैं। एक प्रश्न और आपसे मैं जानना चाहता हूँ, हाल ही में जैसे आपने कहा सोशल मीडिया बहुत प्रभावी हो रहा है, तो एक मीडिया जो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें जो हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर के लोग हैं उनके द्वारा अपने गीता वितरित करने को लेकर बंगाल में उनको मारा पीटा गया, इस प्रकार का एक वीडियो चल रहा है, इस तरह के कई आते रहते हैं। पर इससे सवाल ये उठता है विजय जी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है तो स्टेट इससे सवाल ये उठता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है तो वो राज्यों के पर उनका नियंत्रण क्या पर्याप्त नहीं है, या किस तरह से इस तरह की स्थिति हम ये कहकर नहीं छोड़ सकते हैं कि जो कानून राज्य का विषय है पर केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से और भेदभाव के निराकरण की दृष्टि से जो बनती है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए व्यास जी, अब मेरा ख्याल आप इसको ज़्यादा समझते होंगे कि मैं जैसे आपने बता दिया कि आप प्लम्बर से कहाँ तक पहुँचा हूँ, शायद मैंने कानून की पढ़ाई उतनी नहीं पढ़ी हो जितनी मुझसे ज़्यादा आपने पढ़ी होगी। मगर ये तो एक सबसे सीधी सी बात है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है ये सब्जेक्ट टू स्टेट होता है, इसमें कहीं भी केंद्र सीधे तौर पर किसी भी जितनी मर्जी वो हो जाए, जब तक कोई बहुत ज़्यादा एक्वर्ड पोजीशन पे ना आ जाए और कहीं स्टेट अपने हाथ ना खड़े करे तब तक केंद्र कहीं भी हाथ नहीं लगाता। तो ये सब्जेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट रहता है। मगर दूसरा जहाँ फिर मैं कहूँगा कि किसने क्या किया नहीं किया, ऐसी जो घटनाएं सिर्फ बंगाल में नहीं हो रही, पंजाब जैसे प्रदेश में जहाँ सिख बहुल क्षेत्र है वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती भी हो रही है, जहाँ पर हिंदू बहुत क्षेत्र है वहाँ पे हो रही है कुरान की पर्चे पड़े। ये बात सिर्फ ये है कि आज जिस धरती को हम विश्व गुरु के रूप में जानते थे आज लोगों के बीच में उनका जो आपसी ये एक सद्भाव जो संबंध या एक दूसरे के प्रति सत्कार जिसकी हमने शिक्षा मिली थी वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, और उसका कारण हमारी ये पैसे की लाल लो पैसे की। विजय जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे मालूम है कि और आगे इंटरव्यू होने वाले हैं, तो एक छोटा सा आपने जो बात कही उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारी तौर पर हम हाथ खड़े कर रहे हैं कि ये केंद्र सरकार के बस की बात नहीं है। मुझे सवाल ये करना है कि इसका प्रभाव 2019 के जो चुनाव हैं उसमें जनता में जो विश्वास एक सरकार को लेकर उसमें कमी आ सकती है ऐसा लगता है आपको? देखिए मैं केंद्र सरकार हाथ नहीं खड़े कर रही, केंद्र सरकार की ओर से सही जो व्यवस्था बनाई गई है मैं उसकी जानकारी दे रहा हूँ, इसमें हाथ खड़े करने की कोई बात नहीं। हम अपना कर्तव्य बखूबी निभाना जानते हैं और निभा रहे हैं, और इसका घटना का जो है 2019 से कुछ नहीं, ये तो एक दूसरे के प्रति सत्कार और सम्मान की बात है, उसके लिए हमें अपना काम करना होगा। अंतिम दो शब्द NRI जो हमारे यहाँ के हैं उनके लिए कुछ संदेश, उनसे कुछ अपेक्षा। देखिए भारत सरकार इस वक्त जिस तरह से पिछले 4 साल से आपने उनकी कारगुजारी देखी है, और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि
कि कभी भी मैं पहले भी विदेशों में आता था तो NRI में कहीं ना कहीं अविश्वास था। पिछले 4 साल से उनके बीच में विश्वास बढ़ा है, अपने देश के प्रति सम्मान बढ़ा है और गर्व से नाम लेते हैं कि हम भारतीय हैं, और इसका कारण माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। कभी यहाँ पर मैं भी विदेशों में रहा हूँ और जब कभी किसी का सामना होता था बताते थे हम भारतीय हैं मगर संकोच से, आज हम गर्व से बताते हैं। और ये विश्वास जो है ये मोदी जी ने पूरी दुनिया में अपने भारत का परचम फहराया, और इस विश्वास के साथ हम NRI भाइयों को ये शुभकामना भी देते हैं कि आपको भी उस विश्वास के लिए हमें सहयोग की हमारा सहयोग की ज़रूरत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ से उठ रही आवाज़ें वो देश के प्रति या हमारे समाज के प्रति कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुँचाती हैं। कृपया इसके लिए सहयोग करें और हम सब मिलकर पूरी दुनिया में भारत का परचम गर्व से लहराएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। विजय सांपला जी से बात करते हुए हमें ये विश्वास होता है कि जैसे लोह पुरुष सरदार पटेल जी का उल्लेख होता है, उस प्रकार एक दृढ़ता के साथ में स्थितियों को समझकर संतुलित मन से अपनी बात रखने वाले विजय सांपला जी ने हमारे साथ बातचीत के लिए समय निकाला। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार।